तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही न्यूज़ आप सबने सुनी है। इथेरियम का एंड हो चुका है, इथेरियम 2.0 भी बिल्कुल आ चुके हैं। आज थोड़े इस पर लुकआउट करने वाले। इवन अगर आपके पास भाई लैपटॉप है आज के टाइम पे, डेस्कटॉप है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप में किसी भी एक चीज़ में, तो आपको बता दूँ यार आप थोड़ी बहुत अर्निंग अभी भी कर सकते हो इथेरियम बंद होने के बावजूद। क्योंकि यार देखो, माइनिंग जो होती है जिससे लोग पैसा कमा रहे थे वो काफ़ी हद तक यार डाउनग्रेड गई है, क्योंकि इथेरियम सबसे यार प्रॉफिटेबल कॉइन था जिसको लोग माइन करते थे। एकदम से भाई धंधा चौपट वाला काम हो गया। इवन हमारा खुद हाल देख सकते हो, ग्राफिक कार्ड लेके बैठे हैं बाहर निकाल के, सोच रहे हैं साफ करें या फेंक दें, वो वाला सीन है। तो बिल्कुल भाई इथेरियम की माइनिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती थी, अब वो कम हो गई है, पर अभी भी बहुत चांस है भाई पैसे वैसे आप अभी भी अर्न कर सकते हो। आज वही चीजों पे थोड़ा बात बात करते हैं, मजेदार वीडियो रही है एट द एंड। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। कल का वो दिन था भाई जिस दिन सारे माइनर वाइनर भाइयों को काफी दिख हुआ होगा, पर वैसे मैं अराउंड आपको बताऊं तो इवन मैं भी यार माइनिंग जब करता हूं तो वहां उनका डैशबोर्ड जो रहता है ना, वहां पे 30 दिन पहले से ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी उन्होंने कि ये 30 दिन बाद जो इथेरियम है अपना मर्ज हो जाएगा, और वो चीज यार इंप्लीमेंट हो गई, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट नाउ क्या है, देखो अभी तक क्या चल रहा था ना, इथेरियम की जो माइनिंग है लोग क्यों करते थे, क्योंकि ये जो इसका यार ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर पे बेस है, अब वहां यार प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दो चीजों पे रहता है। अभी तक यार प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा था इथेरियम, जो काफी रिस्की रहता है एज फॉर यार हैकिंग पर्पस पे भी आप बोल सकते हो, पर हां वहां पे यही था कि यार माइनर्स लोग जितने हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गया, इन सब की मदद से यार माइन करते थे इथेरियम को, कुछ हद तक यार प्रॉफिट जनरेट होता था, वो सब चीजें थी। अब हो गया भाई प्रूफ ऑफ स्टेक पर, मतलब होल्ड जिन्होंने कर रखा है उनको ही मुनाफा होगा यार अगर बढ़ता है प्राइस, उस तरीके का सीन है। काफी हद तक यार सीन चेंज हो चुका है। अब इस पे आप एकदम डिटेल में चाहते हो कैसे यार एल्गोरिथम में चेंजेस आए, किस तरीके से होगा, तो इस पे आपको यार मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट प्रेफर करूंगा, वहां से आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी बात रही भाई जो लोग इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कोई इतना खासा वैसा रहा नहीं है, क्योंकि यार ये बेसिकली इंपैक्ट माइनिंग को ही कर रहा है। अब देखो इसका यार पॉजिटिव पॉइंट भी बिल्कुल आप उठा सकते हो। देखो इथेरियम जैसे यार थोड़ा सा कम हुआ था ना, तो इसी कारण आप बोल सकते हो ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस भी कम गए थे, आपने खुद देखा था। वैसे तो मेजरली भाई देखा जाए तो यार ग्राफिक कार्ड के स्टॉक सही हो गए थे, इस कारण प्राइस आप बोल सकते हो वापस से कम हुए, पर हाँ एक माइनिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर माइनिंग अच्छी पीक पे रहती है तो भाई ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा सोल्ड आउट होते हैं, स्टॉक खत्म हो जाते हैं, वो वाला सीन था। तो ये भी एक अच्छी चीज है भाई, अब जिन गेमर्स वेमर्स भाइयों को इन सब चीजों से दिक्कत रहती है तो उनके लिए अच्छा है। बाकी हाँ यार इथेरियम बंद हुआ है, अभी माइनिंग कंप्लीटली बॉज नहीं हुई है, मतलब माइनिंग अभी भी चलती रहेगी। इथेरियम भाई साहब जा चुके हैं, इथेरियम 2.0 आ गए तो उनको निकलना पड़ गया बोरिया बिस्तर बांध के, पर हाँ अभी दूसरे कॉइन बाकी है। अभी राइट नाउ मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रेविन कॉइन हो गया, फिर अपना अर्गो हो गया, या फिर इथेरियम क्लासिक भी आप कर सकते हो। इथेरियम क्लासिक मैंने भी यार 2-3 दिन करा था, तो हाँ अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें बेस्ट बताऊं तो रेविन और अर्गो ये सब यार बेस्ट है। बाकी हाँ अगर आप भी भाई अपने माइनिंग से यार पैसे वैसे अर्न करना चाहते हो आज के टाइम पे, तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया दूसरे कॉइन अभी भी है उनको भी आप माइन कर सकते हो। वैसे तो मैंने इथेरियम बेस्ड वीडियो बनाई थी, आप आई बटन पे देख सकते हो, वहां माइनिंग का पूरा सेटअप करके दिखाया था, कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है, किस तरीके से करते हो, तो वो आप आई बटन से चेक कर सकते हो। राइट नाउ यही बोल सकता हूं भाई, अब हमारे पास दूसरे कॉइन की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई थोड़ा अच्छा रॉक कर जाएगा भाई इथेरियम के बाद, तो देखते हैं वो चीजें आगे पता चलेगी। पर हाँ एक चीज तो हो गया, इथेरियम 2.0 आ चुका है, माइनिंग थोड़ा डीप नीचे चली गई है, पर हाँ अभी भी यार अर्निंग करने के मेथड माइनिंग से खत्म नहीं हुए हैं जैसा मैंने बताया। तो ये कंप्लीटली सीन सिनेरियो था। बाकी चलो यार अपना आपको क्या सुझाव लगा यार, अच्छा लगा कि नहीं आपको यार मर्ज हुआ कि नहीं, वो कमेंट में बताना। बाकी चलो इस वीडियो में इतना, अगर पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना। मेरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।